पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ही अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन को अनंत चौदस भी कहा जाता है। इस दिन गणपति जी का विसर्जन भी किया जाता है। जो लोग अनंत चौदस का व्रत करते हैं उन्हें अनंत चौदस की व्रत कथा जरूर से सुननी चाहिए, तभी उनका व्रत संपूर्ण माना जाता है। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं अनंत चौदस की व्रत कथा सुनाऊंगी, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और सुनिएगा, क्योंकि कथा सुनने मात्र से भी आप पुण्य के भागीदारी बनते हैं। तो हाथ कथा कभी खाली हाथ नहीं सुनी जाती है। तो अक्षत यानी तिली और पुष्प ले लें और साथ में एक जल का लोटा रख ले, उसके बाद इस कथा को सुने या पढ़ें। कथा इस प्रकार से है, अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसी यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की विभिन्नता प्रतीक ही नहीं होती थी। जल में स्थल तथा स्थल में जल की भांति प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। और एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर गया। द्रौपदी ने यह देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर उसका उपहास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। यह बात उसके हृदय में बाण समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को धूर्त कीड़ा में हरा कर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित किया। पराजित होने पर प्रतिज्ञानुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कश वशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिल्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटे और पत्थरों के टुकड़े बांधकर दे दिए। कौंडिल्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्व बताई। सुशीला ने वही व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिल्य के पास आ गई। कौंडिल्य ऋषि ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा।
तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणामतः ऋषि कौंडल्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत का डोरा जलाने की बात कही। तब पश्चात ताप करते हुए ऋषि कौंडिल्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडल्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख हो दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिल्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे कलेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चीरकाल तक राज्य किए। बोलिए अनंत भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। भक्तों, इसके बाद हमें व्रत कथा सुननी चाहिए गणेश भगवान की, तभी हमारी जो है पूजा संपूर्ण मानी जाती है। तो कथा मैंने अलग वीडियो में सुनाऊंगी और मेरे चैनल पर है, आप वहां जाकर के सुन सकते हैं। उसके बाद विनायक जी की कथा मेरे चैनल पर है, आप वहां जाकर के सुन सकते हैं और अपनी कथा संपूर्ण कर लें। तो भक्तों, जब हमारी कथा संपूर्ण हो जाती है तो हाथ में जो भी हमारे अक्षत और पुष्प है, ये हमें भगवान के चरणों में छोड़ना होता है। तो इस प्रकार से हमें प्रार्थना करते हुए सभी के पास छोड़ देंगे और हाथ जोड़ लेंगे कि कथा में सुनते हुए बोलते हुए कोई गलती हो गई हो तो क्षमा प्रार्थना मांग लें। और उसके बाद हमें करनी होती है आरती। तो हम यहाँ सबसे पहले घंटी बजा देंगे, आप चाहें तो यहाँ शंख भी बजा सकते हैं। तो प्रेम पूर्वक घंटी बजा लेंगे। उसके बाद हमें करनी है कपूर से आरती। प्रेम पूर्वक आरती उतार लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गौरी गण गणपते नमो नमः। कलश का भी इसी तरह से सभी देवताओं का आरती उतार लेंगे और लक्ष्मी मैया का, सभी का, जितने भी चौकी पर विराजमान है तुलसी मैया का, सभी का हम यहाँ पर प्रेम पूर्वक आरती उतार लेंगे और क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग लें और शीतल कर लेंगे। इस प्रकार से आरती को ठंडा कर लेंगे और सभी चीजों को हम पुष्प की मदद से मिनस देंगे। आप ये मिनस सकते हैं 3 बार, 5 बार या फिर 7 बार। इस प्रकार से दक्षिणा जरूर से निकालें। दक्षिणा निकालने से ये होता है कि पूजा में जो भी कमी बेसी रह जाती है वो दक्षिणा से पूरी हो जाती है। प्रार्थना जरूर कर लें कि हे सभी देवी देवताओं, अपनी जो दृष्टि है सदैव अपनी हमारे पर रखे रहें। उसके बाद शाम के समय हमें एक दीपदान करना होता है। तो इस प्रकार से मैंने दीपदान किया है, आप भी कर सकते हैं। मैंने 14 बाती का दीपदान किया है। आप 14 मुखी का या फिर 14 अलग अलग आटे के दीपक भी बना करके दान कर सकते हैं, बेहद ही शुभ रहता है। भक्तों, हमें किसी भी व्रत या पूजा पाठ के धर्म के कार्यों में किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, उनका सादर सम्मान करना चाहिए, सदा सम्मान करना चाहिए और किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। जैसा कि इस कथा में कहा था, जैसे कौंडल्य ऋषि ने धागे का अपमान किया था, ऐसा आप कभी ना करें। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु।